यार हमने आए थे और पास भर लेके आया वो। मैं बहुत स्लो करता कई नाइस बारी, फर्क नाइस। ही कर लेता हूँ मैं। आजा मेरा प्लान ये ना आवाज आ भाई, रही है फोन कहीं से? आरो नहीं है, मैं इससे इसकी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, दिल की गहराई से बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू भगवान जी। ओ माय गॉड, गया फलाना, गया फलाना, पानी किसका है? गया पानी फलाना, किसका है? गया फलाना, बच गया फलाना। हर तैसी ये क्या किनकी आवाज आ हो रही है गया जरा इस बंद पे करना। बेटा। वेट, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको देखते क्या यहाँ। चल रहा आ नहीं भाई, कॉल वेस्ट करो, था। कहाँ बोलो बात, ये कसम से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं ऊपर आ रहा हूँ, ये नहीं क्या तो टूट सब देगा सारी कुछ चीजें। ऊपर क्या बोलो, है ये सब सारे प्रोफेशनल है। प्लास्टिक गुड तो आफ्टरनून, प्लीज। मैं यहाँ पे मतलब फलाने क्या कर रहे हैं ऑफिस में, पार्टी भाई हो रहे। अरे यार तो क्या तो भी नहीं देखेंगे। रहे, खुद तो कर नहीं रहा है, मम्मी कहीं मॉल पे लेकिन कर नहीं रहा। कौन से कपड़ा? ये भी वाह, देख, सब हॉस्टल सर सब बंद वन म्यूट कर कर दीजिए। दिए। क्या दूं? एक मिनट लेट, ठीक मैं सर तुमको कल मना हम लोग एनिमल्स करना पे बात कर रहे थे, है ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? प्रिंस यस कुमार सर। तो कल हम लोग सर। एनिमल्स पे बात कर रहे थे, तो मैं एक्चुअली मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, ठीक है? तो मैंने सॉफ्ट कॉपी लाया है बुक बुक का, मोबाइल से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है मोबाइल में, मैं इसी के थ्रू पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? ये दिख रही है आपको? मैं यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर तो मैं इससे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। हाँ, सैमसंग का मोबाइल से मोबाइल नहीं देखना है, ये चैप्टर मैं इससे पढ़ाऊंगा। यही एनिमल चल रहा है ना आपका? बुक में फिफ्थ चैप्टर है ना एनिमल, तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? इतने आ गए अभी, सर तो स्टार्ट करना चाहिए। अभी स्टार्ट करूँ? सर चलो ठीक है, ओके। देखो, चैप्टर इस बारे में बात करता है कि एक लोगे चैप्टर इस बारे में बात करता है कि एक स्टूडेंट है आर्यन नाम का, वो अपने अपने में क्या-क्या देखता है उसके बारे में बताया जा रहा है। वो सपने में उसको अलग-अलग तरह के एनिमल्स आते हैं, उसको दिखते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वो अपने, अभी सबने बुक निकाल के रखे हुआ है कि नहीं अपने सामने? सब अपना अपना बुक निकाल के अपने सामने रख लेना। फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर है एनिमल का, पेज नंबर है 31, ठीक है? ये पहले बात करता है कि, आवाज नहीं आ रही है लिए क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? सर जरा देखेंगे आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है? जस्ट अ सेकंड, मैंने फैन ऑफ कर दिया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? मैंने फैन ऑफ कर दिया। चलो ठीक है, तो ये अच्छा, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब प्लीज कीप साइलेंस सो दैट आई कैन स्टार्ट, ओके? तो ये डिफरेंट टाइप्स के एनिमल के बारे में बात कर रहा है, उसके सपने में आते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जांपल बोला गया है कि बताओ, वो सपने में आके वो एनिमल, पार्टिकुलर एनिमल पूछता है कि बताओ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और गार्ड करता हूँ, तो बताओ वो कौन है? तुम लोग अपना बुक निकाले हो, जल्दी जल्दी बताओ। वो ऐसा एनिमल कौन होता है जो हमारे घर सर में पाया जाए? डॉग। पहला, तो डॉग, फर्स्ट नंबर पे डॉग लिख दिया जाए। कैट भी होता है, सुनो सुनो सुनो, कैट भी होता है, लेकिन लेकिन तुम्हारे बुक में पिक्चर दिया हुआ है नीचे, उसमें से सेलेक्ट करना है। उसमें क्या कैट अवेलेबल है? तुम्हारे बुक में तुम लोग देख रहे होगे, तुम्हारे बुक में देखो ये चार पांच तरह की पिक दी हुई है, इसमें से सेलेक्ट करके यहाँ ऊपर भरना है। तो क्या इसमें कहीं कैट दिख रहा है? कैट दिख रहा है इसमें? तो ऐसे तो ऑप्शन कैट, ऐसे तो ऑप्शन कैट भी है, ऐसे तो ऑप्शन डॉग भी है, लेकिन क्या उसमें कैट तो है नहीं ऑप्शन, तो हम क्या मारेंगे? डॉग को मारेंगे, ठीक है? सेकंड पे आते हैं। मैं बोल रहा है कि मैं तुम्हारे घर के चारों ओर रहता हूँ,
और मैं दूध देता हूँ, आई गिव यू मिल्क। तो कौन कौन ऐसे हैं जो मिल्क देते हैं? काउ, बफेलो और गोट। अब यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, यहाँ कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? बहुत सारे ऑप्शन है, काउ है, बफेलो है, गोट है, तो किस पे मारेंगे? यहाँ क्या दिखा रहा है पिक्चर में? काउ दिख रहा है, काउ दिख रहा है क्या तुम लोग को भी? यस सर, क्या काउ मार दिया जाए? तो यहाँ काउ को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन बताओ, थर्ड ऑप्शन बताओ। आई डू नॉट लिव अराउंड योर होम, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। हाँ देखो कीवर्ड समझो, कीवर्ड क्या बोल रहा है? आई एम द किंग ऑफ द जंगल, लायन। ये तो बेसिक है, आप लोग जानते होंगे। चलो टाइगर क्या किंग होता है? किंग ऑफ द जंगल क्या टाइगर को बोलते हैं? वैसे टाइगर रहता तो जंगल में ही है, लेकिन क्या उसको किंग का दर्जा दिया गया है? नो सर, देखोगे ना लायन को, देखोगे तो उसके ऊपर पूरे बाल रहते हैं। उसको अगर गौर से उसका पिक्चर दिखाया जाए, लायन का पिक्चर याद है कैसा होता है? उसके चारों ओर, फेस के चारों ओर बहुत बड़े बड़े बाल होंगे। तुम्हारे पिक्चर में भी दिया हुआ है, देखो गौर करके कितने बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं इसमें, दिख रहा है? इसको दिया गया है किंग ऑफ द जंगल का दर्जा, किंग ऑफ द जंगल। मम्मी, अब और कौन सा ऑप्शन है? थर्ड था, थर्ड था, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। ओके चलो, आई हैव अ हॉर्न ऑन माय हेड। जरा अपने बुक में पिक्चर देखो, इसमें बोल रहा है कि मेरे पास एक हॉर्न है, किसके ऊपर? नो, कोई डायनासोर तो नहीं बोल रहा है, कोई डायनासोर तो नहीं बोल रहा है। ओके करेक्ट, ओके करेक्ट। अब एक बोल रहा है देखो, एकदम बीच में सेंटर में कोई बर्ड है, उसके बारे में बोल रहा है कि आई हैव अ लाइट ग्रीन कलर बॉडी एंड यूज माय रेड बीक फॉर ईटिंग। आई एम रागी। चलो चलो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। ये क्या क्लियर दिख रही है बोर्ड में आपको? क्लियर दिख रही है ना? यस सर। अब देखो थर्ड ऑप्शन, इसमें देखो कितने सारे वैरायटी दिखाए गए तुमको, कितने सारे वैरायटी दिखाए गए, कितने तरह के एनिमल्स हैं, अलग अलग वैरायटी है। देखो काऊ दिखने में कैसा रहता है, तुम पैरोट को देखो दिखने में कैसा है, लेकिन आते सब ये कैटेगरी किस में आते हैं? एनिमल्स में। और ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। अर्थ के बारे में किसको किसको पता है कि अर्थ के बारे में कौन कौन जानता है? मदर अर्थ, आवर मदर अर्थ। हम लोग किस पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। इसको हम डिलीट करें, इसको हम रब करें? यस सर, नो सर, नो सर, यस सर। चलो अब देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है? सपोज करो ये हमारा अर्थ है, क्या अर्थ ऐसा गोल है? सही में क्या अर्थ ऐसा गोल है एकदम राउंड? नहीं, एक्चुअली में ऐसा गोल नहीं है, अर्थ कुछ ऐसा है, अर्थ कुछ ऐसा है। एक्चुअल गोल नहीं है, एक्चुअल गोल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको पूरा गोल करके दिखा रहे हैं, ठीक है? अब सपोज किया ये अर्थ है, ठीक है? अब इस अर्थ में आपको दो तरह के वैरायटी दिखेंगे। एक अर्थ पे दिखेगा जहां पे लैंड है, जहां पे क्या है, जहां पे क्या है, जमीन है, जमीन है, लैंड है। तुम अभी देखो, अभी मेरे स्कूल यहाँ देखो, यहाँ स्कूल के नीचे आगे जाए रोड है, जमीन है, खेत है। तुम्हारे घर के नीचे रोड होंगे, गली होगी, मैदान होंगे, फील्ड होंगे, ठीक है? एक अर्थ पे दिखा जमीन, एक जमीन है, एक एरिया ऐसा आएगा जहां पे तुमको पानी भी मिलेगा। तो पानी वाले जगह कौन कौन से हो सकते हैं बताओ? पानी वाले जगह कौन कौन से हो सकते हैं? इस पे तुमको क्या मिलेगा? फ्लोर, जमीन भी मिलेगा। मान लो यहां लिख दिया मैंने कि प्लेन्स, लाइक प्लेन्स मिले, और इधर क्या मिला? वाटर। क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा ठीक से। वाटर, लेक,
आवाज आ रही आवाज चल आ रही आवाज तो सर लेफ्ट चलो यहाँ ध्यान दो यहाँ ध्यान देना अब अर्थ पे देखो लैंड भी है और अर्थ पे वाटर भी मिलता है अच्छा वाटर कहाँ पे अब वाटर के नीचे क्या होगा कभी तुम देखे हो नदी में जाके कि नदी के नीचे नीचे क्या मिलता है वाटर तो ऊपर रहता है नीचे क्या रहता है नीचे भी लैंड ही मिलेगा नीचे भी लैंड मिलेगा तुम देखोगे कि यहाँ जैसे मान लो ये जमीन है और ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है ऐसे ऐसे जमीन और यहाँ पानी दिखेगा तुमको ऐसे ऐसे पानी लेकिन यहाँ भी तो लैंड है ना यहाँ भी तो लैंड है आ रहा है समझ में तो यहाँ पे अर्थ पे तुमको दो तरह के जमीन दिखेंगे एक तो पूरा जमीन कहीं ऊपर उठा हुआ है कहीं नीचा है कहीं बराबर है ऐसा दिखेगा जमीन और यहाँ पे पानी भी मिलेंगे तो अर्थ पे दो चीज मिल रहा है कौन कौन लैंड एंड वाटर अब इसी के बारे में पढ़ना है अब हम लोग को चैप्टर देखो चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है चैप्टर का इंट्रोडक्शन बोल रहा है कि पढ़ना तो एनिमल्स के बारे में है लेकिन ये एनिमल्स अब रहते तो अर्थ ही पे हैं अर्थ के बाहर तो अभी डिस्कवर नहीं हो पाया है कि बाहर कोई लाइफ है कि नहीं अर्थ के बाहर कोई प्लानेट पे लाइफ है कि नहीं अर्थ हमारा जो प्लानेट है मदर अर्थ है इस पे दो तरह के तुमको वैरायटी दिखाया गया एक है लैंड एक है वाटर अब ये जो एनिमल है अब चैप्टर चैप्टर देखो कैसे रिलेट कर रहा है चैप्टर कैसे रिलेट कर रहा है अर्थ से कि एनिमल लैंड पे भी रहते हैं और एनिमल किस पे रहते हैं एनिमल 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 किस पे रहेंगे एनिमल किस पे मिलेंगे हमको हमको एनिमल लैंड पे भी मिलेंगे हमको एनिमल लैंड पे भी मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे सैंड पे आएंगे लैंड के अंदर ही आ जाएगा वो लैंड के अंदर ही आ जाएगा अब तुम खुद सोचो अर्थ के बारे में बात की गई कि अर्थ पे जमीन है एक तरफ दूसरे तरफ पानी है और तो कुछ है नहीं बहुत होगा तो कहीं जमीन उठा हुआ होगा जहां पे बहुत पर्वत होंगे तो उसको अलग नाम देंगे इसी के अंदर आ जाएगा लैंड पे क्योंकि पर्वत जो भी होगा लैंड ही पे तो बना हुआ है जो भी है सेटअप और तुम रेगिस्तान के बारे में बोले फॉरेस्ट के बारे में बोले वो भी तो एक लैंड है वहां बालुई मिट्टी है जो भी बोलते हैं उसको जिससे भी बना है टकराने से बाद में आगे जाके पढ़ोगे कि कैसे ये जमीन जो है उसका निर्माण हुआ टेक्टोनिक प्लेट्स पहले कैसे कैसे आपस में टकराए कोई ऊपर उठ गया तो वो हिमालय का रीजन बना ये सब आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे जमीन का निर्माण हुआ ठीक है चलो यहाँ तक ठीक है ना तो यहाँ से आगे बढ़े तो चैप्टर हमारा क्या है एनिमल के बारे में पढ़ना है और एनिमल में वैरायटी कौन कौन सा है दो वैरायटी के बारे में अब देखो चैप्टर पे आते हैं वापस तुम्हारे चैप्टर पे आते हैं चलो अब एक टर्म यहाँ है एक टर्म और देखो समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को डाउट है तो पूछो अभी कोई डाउट है समझ में नहीं आया तो अभी जितना मैंने बताया बच्चों एनिमल्स निकाल दो बेटा अरे ये नहीं यहाँ तक ठीक है यहाँ तक किसी को डाउट है यहाँ तक किसी को डाउट है नो सर आगे बढ़ा जाए ठीक है अब तुम बताओ तुम अपने घर में रहते हो या बाहर रहते हो तुम लोग अपने घर में रहते हो या बाहर रहते हो घर में तो तुम्हारा वो हाउस हुआ तुम बोलते हो आई लिव इन माई हाउस ऐसा बोलते हैं ना हम लोग आई लिव इन माई हाउस तो ये एनिमल्स भी कहाँ रहते हैं अब डॉग का एग्जांपल लो डॉग को हम लोग बाई करके ले आते हैं उसको अपने घर में रखते हैं उसको पालते हैं बड़ा करते हैं बिल्ली को भी कैट को भी पालते हैं बड़ा करते हैं तो उसका घर क्या हो गया उसका घर तो वही हो गया जिस घर में हम लोग रह रहे हैं क्या उसका घर क्या हुआ अर्थ पे तो रहता ही हम लोग सब अर्थ पे तो रहते ही हैं लेकिन अर्थ के अंदर जो मकान बना के हम लोग रह रहे हैं तो वो छोटा सा हाउस जिसमें हम लोग रहते हैं हमारा घर ही हमारा हाउस है अब बिल्ली बिल्ली डॉग के बारे में बात करो तो बिल्ली या डॉग या कैट जो भी बोलो इसका इसको हम लोग अपने घर में रख के पालते हैं उसका पोषण करते हैं उसको बड़ा करते हैं तो बिल्ली का घर क्या हुआ फिर बिल्ली का घर तो हमारा ही घर हुआ जिसमें वो रह रही है क्या बिल्ली का घर तो वही हुआ जिसमें वो रह रही है जिसमें हम लोग रह रहे हैं अब आते हैं
सांप पे, स्नेक पे, स्नेक का घर क्या हुआ? अब स्नेक कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है स्नेक? देखो ऐसे भी स्नेक है जो जमीन पे रहते हैं, ऐसे भी स्नेक हैं जो पानी में रहते हैं, पानी में भी स्नेक ऐसे मिलते हैं। पेज नंबर तुम्हारा है 31, चैप्टर नंबर 5, टॉपिक है एनिमल्स। यहाँ तक क्लियर है? अभी चैप्टर समझा रहा हूँ, चैप्टर समझा रहा हूँ। कल से तो ठीक दिख रहा है ना, कल से तो अच्छा अच्छे से दिख रहा है ना? चलो अब ध्यान दो। अब स्नेक कहाँ रहता है? स्नेक लैंड में भी रहता है, लेकिन हम उसको घर नहीं बोल सकते हैं, हम उसको बोलेंगे कि स्नेक गड्ढा बना के रहता है। देखोगे चूहा का बिल होता है, बुर्रो, चूहा को देखो, रैट को ये जो बुर्रो है, बुर्रो वो घर बना के, स्नेक भी क्या बना के रहता है, बुर्रो बना के रहता है। और हम ध्यान दे, लायन के बारे में बात करें तो क्या, बुर्रो मतलब गड्ढा, होल जैसा, स्नेक को नहीं, चूहा को नहीं देखे, वो बिल बना देता है, अंदर चला जाता है जमीन के अंदर, एकदम बिल बना देगा उसमें चला जाता है। हाँ अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब लायन क्या बिल बना के रहता है? लायन इसका अच्छा, लायन क्या बिल बना के रहता है? लायन क्या बिल बना के रहता है? लायन क्या बिल बना के रहता है? लायन वो तो जंगल में रहता है, तो जंगल में रहता है तो लायन का घर क्या हो गया? लायन का घर क्या हो गया? हाउस। लायन का हाउस क्या हुआ? रैट का, रैट का हाउस क्या हुआ? बुरो, बिल। हाँ बिल सही है, लेकिन इंग्लिश में उसको बोलेंगे तो बिल तो नहीं बोलेंगे इंग्लिश में, तो बुरो बोलेंगे। गड्ढा हिंदी में बिल बोल लो, गड्ढा बोल लो, होल बोल लो, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बुरो। तो इसी तरह हमारा अपना घर है जिसमें हम रहते हैं रूम लेकर, तुम लोग का अपना घर होगा, इसी तरह ये एनिमल्स का अपना अपना घर है और उस घर में रहते हैं, और उस घर को क्या बोलते हैं पता है? उस घर को क्या बोलते हैं? तुम्हारे बुक में दिया हुआ है साइड में नोट करके, ध्यान से देखो, तुम्हारे बुक में डू यू नो करके दिया हुआ है, डू यू नो क्वेश्चन मार्क। अब वो टर्म बताओ तुम लोग, क्या क्या टर्म है वो? गुफा, एक आंसर दिया गुफा, हाँ गुफा में भी रहता है। अब ये सब को मिला के हमको एक सिंगल टर्म लिखना है जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, गुफा भी आ जाए, हाउस भी आ जाए, बिल भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। तो वो टर्म क्या है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, डू यू नो करके दिया हुआ है, डू यू नो में देखो, डू यू नो टर्म क्या है? हिंदी क्या होता है पता है? आवास, घर, जहाँ पे ये रहता है। अब देखो कितना सारा हम लोग घर डील कर दिए, बिल के बारे में बात कर लिए, लायन जंगल में रहता है, कोई बोला गुफा में रहता है, हम अपने घर में रहते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी है, डॉगी वो हम लोग अपना पालते हैं, तो उसका घर तो वही हो गया जिसमें वो रहता है। तो इतने सारे सबके घर को उसी तरह, मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है? तो रही है, आ तो रही है, थोड़ा देखो। अच्छा धीरे बोलूं क्या, थोड़ा स्लो स्लो बोलूं? हेलो, पेज नंबर अभी तक तुम्हें पेज नंबर नहीं पता है, पेज नंबर तुम्हारा 32। अब हैबिटेट के बारे में बताओ, हैबिटेट का जल्दी जल्दी डेफिनेशन, आपके बुक में खुला हुआ है, डेफिनेशन बताओ हैबिटेट का जल्दी, क्या लिखूं? सर ए पैलेस वेयर एन एनिमल लिव्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अब जिसने भी ये डेफिनेशन बोला है, गौर से सुनो, गौर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ए पैलेस है या प्लेस है? Place. देखो एक ने बोला प्लेस, एक ने बोला पैलेस। पैलेस मतलब पता क्या होता है? महल, महल होता है। तो पैलेस होगा कि प्लेस होगा? प्लेस मतलब, प्लेस मतलब जगह, प्लेस मतलब जगह, और पैलेस मतलब महल जिसमें राजा लोग रहते थे पहले, जो राजा वाले जो जमाना था जिसमें राजा होता था, राजा की प्रजा होती थी, तो राजा किसमें रहते थे? पैलेस में रहते थे। तो वो पैलेस नहीं है यहाँ, यहाँ क्या है? प्लेस है, ठीक है? A place where an animal, where an animal, a place an animal lives in the habitat. Its habit. क्या क्लियर क्लियर दिख रही है आप लोग को?
अभी से आगे बढ़े सर, हाँ लिखना तो है कॉपी में, जी हाँ लिखना तो है कॉपी में। अभी 50 चैप्टर चल रहा है ना आप लोग का, क्या आगे बढ़े, हो गया इसको रब करें। यस सर। चलो अब एक बात और बताना, हाँ कॉपी में इसका कॉपी होगा ना, कोई कॉपी में आपने बनाया होगा साइंस की कॉपी, उस कॉपी में आप लिखेंगे। अब देखो अभी मैंने बात किया हैबिटेट का, जो बता रहा है कि अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पे रहते हैं, उनका अपना आवास है, उनका अपना जैसे होल हुआ बुरो हुआ ये सब बताया मैंने। तो ये आवास के बेसिस पे, ये हैबिटेट के बेसिस पे ही एनिमल्स के रहने वाले कैटेगरी को दो पार्ट में बांटा गया, जो अभी मैंने बताया तुमको, एक लैंड और एक वाटर। अब इसी को देखो सेंटेंस में, सेंटेंस में दिया हुआ है यहाँ से पढ़ना, अलोंग विथ आर्यन, डार्क करके लिखा हुआ है, अलोंग विथ आर्यन लेट अस लर्न अबाउट हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर हैबिटेट। ये सेंटेंस मिला सबको, ये सेंटेंस मिला सबको, लैंड एनिमल, देखो लैंड एनिमल है ना लैंड, अच्छा रुको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो नो सर नहीं, देखो लैंड एनिमल है यहाँ, लैंड एनिमल के, लैंड एनिमल के ऊपर वाले लाइन में, ऊपर वाले लाइन में यहाँ देखो लैंड एनिमल के ऊपर वाले लाइन में डार्क से लिखा हुआ है, दिखा? यस सर दिख गया। अब देखो बांटा तो गया, अभी मैंने पहले बता दिया लैंड और वाटर, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि किस बेसिस पे बांटा गया है, ये कैटेगरी जो बांटा गया है एनिमल का किस बेसिस पे बांटा गया है, तो यहाँ लिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दियर हैबिटेट, उनका जो आवास है, उनका जो घर है, उनका रहने का जो घर होता है आवास होता है, उसके बेसिस पे बांटा गया है कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में, तो वही लिखना है तुम लोग को, ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ डियर हैबिटेट। सर आपका फोटो नहीं आ रहा, फोटो नहीं आ रहा, अब आ जाएगा, वहां तक आ गया ना, ऑन द बेसिस ऑफ डियर हैबिटेट, इसको लिख लो, इसको लिख लो, एनिमल्स आर क्लासिफाइड। सर बोर्ड क्लियर नहीं है, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, यस सर, क्या अब क्लियर आ रहा है, यस नो सर, नो सर, अब आएगा, यस सर, अब क्लियर आ रहा है, यस सर, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इंटू इंटू, नहीं आ रहा सर, चल जा रहा है, मेरे आने जाने से हो रहा होगा, मेरे आने जाने से हो रहा होगा, अभी समझ में, अभी क्लियर दिख रहा है या नहीं, मैं बार बार जा रहा हूँ बार बार आ रहा हूँ, उससे भी फ्लक्चुएट होता है नेट, अब दिख रहा है क्लियर, यस सर, वो ग्रुप क्या है, वो ग्रुप क्या क्या है, ए सेकेंड, हाँ वाटर एनिमल, किसी ने बोला वाटर एनिमल, क्लियर है, क्लियर है, यस सर, अब इस लैंड एनिमल को, लैंड एनिमल हो गया एकदम सिंपल वर्ड, इट्स अ सिंपल वर्ड टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर यू, आप लोग स्टूडेंट, स्टूडेंट हो, आप लोग को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सिंपल वर्ड यूज कर दिया गया लैंड, बहुत सिंपल वर्ड यूज किया गया वाटर, लेकिन इसी को एक और टर्म भी बोलते हैं, लैंड को हम और भी बोलते हैं, एक अच्छा टर्म है, वो टर्म पता है क्या है, आपके बुक में लिखा हुआ है, देखो कौन सा टर्म, लैंड को एक और भी बोलते हैं, लैंड का एक और नाम है आपके बुक, टेरेस्ट्रियल, किसी ने टेरेस्ट्रियल बोला, किसी ने बोला टेरेस्ट्रियल, लिखा हुआ है कहीं टेरेस्ट्रियल एनिमल, देखो लास्ट में लिखा हुआ है एनिमल लिविंग ऑन लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड दिख रहा है, ऑल्सो कॉल्ड यानी इसी
लैंड को एक और भी बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल और ये एनिमल की जगह, ये एनिमल की जगह वहां एनिमल लिख देंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल। देखो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये दिख रही है टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल की आप लोगों को दिख रही है? वाला। देखो लैंड एनिमल है, लैंड एनिमल है और लैंड एनिमल के नीचे देखो यहाँ दिख रहा है, इसको टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं। नहीं आ रहा। अभी आ जाएगा, अभी दिखेगा, दिख रहा है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल दिखा, टेरेस्ट्रियल दिखा। अब उसी तरह खोज के बताओ कि वाटर को क्या बोलते होंगे, वाटर के लिए एक और अच्छा टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है जिसको हम साइंस में यूज करते हैं। एक्वाटिक एनिमल। हाँ एक्वेटिक, एक्वेटिक क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, लैंड के लिए टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इसको क्या पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल, और वाटर के लिए एक्वेटिक, वाटर के लिए एक्वेटिक एनिमल। अभी आप लोग बच्चे हो तो आप लोग को इस टर्म में पढ़ाया गया और थोड़ा सा बता दिया गया कि लैंड को हम लोग टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं और वाटर को हम लोग एक्वेटिक भी बोलते हैं। लेकिन जब हायर क्लास में आप जाओगे ना तो ये यूज नहीं होगा, ये लैंड और वाटर इतना सिंपल नहीं बताया जाएगा। आप लोग को क्या क्या बताया जाएगा, इस टर्म में बताया जाएगा टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, ऐसे बताया जाएगा। तो जैसे ही टेरेस्ट्रियल बोलेगा तो हम लोग को समझना होगा टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन से बात कर रहा है, जमीन से रिलेटेड कोई बात हो रही है, लैंड से रिलेटेड कोई बात हो रही है। जैसे ही एक्वेटिक बोलेगा दिमाग में आ जाना चाहिए वाटर से रिलेटेड, तो वाटर कहाँ कहाँ है, तो पॉन्ड में है, रिवर में है, ओशियन में है, और भी बहुत सारे हो सकते, लेक हो गया, झील उसमें है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्वेटिक का मतलब वाटर। आपको बेवकूफ भी बनाया जा सकता है, हो सकता है वाटर ना देके ये दे दे ऑप्शन में, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक्वेटिक का मतलब वाटर है, वाटर का मतलब एक्वेटिक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। कहीं लैंड देगा तो ये गायब कर देगा, कहीं टेरेस्ट्रियल देगा तो इसको हटा देगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर टेरेस्ट्रियल भी बोल रहा है तो लैंड से रिलेटेड है, एक्वेटिक भी बोल रहा है तो लैंड से रिलेटेड है। और अगर इतना सिंपल सिंपल लिख दिया तब तो आसानी है, लैंड मतलब तो आपको पता ही है, वाटर मतलब भी आपको पता ही है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब ये तो पार्ट बता दिया कि इसका दो पार्ट है, अब इसके अंदर घुसकर इसके बारे में पता करेंगे कि लैंड एनिमल में क्या क्या वैरायटी होती है, वाटर एनिमल में क्या क्या वैरायटी होती है। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? अब आ रही है? जैसे आ रही है। मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी साइड से होगा, एक बार आप चेक कर लो। क्योंकि अगर सोचो अगर चार लोगों को आवाज आ रही है तो मेरे साइड से तो ओके है, चार लोगों को नहीं आ रही है इसका मतलब आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा। आप एक बार रीचेक करके, एक बार म्यूट करके फिर अनम्यूट करके देखो क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ से तो अगर सबके पास, सबको अगर प्रॉब्लम है तब यहाँ से प्रॉब्लम है, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है आपके पास तो यहाँ से प्रॉब्लम है, और अगर किसी को आ रही है किसी को नहीं आ रही है तब तो फिर आप लोग अपने साइड से भी देख लो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसको रब करें, रब करें। ओके, अब लैंड की कौन कौन सी वैरायटी है जरा बताओ, लैंड कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, लैंड के बारे में बताओ तो कहाँ कहाँ मिल सकता है लैंड, लैंड एनिमल कहाँ कहाँ मिल सकते हैं आपके इसमें दिया हुआ है बुक में, आप बस नाम बताओ, अगली बार डेफिनेशन लिखा दूंगा अच्छे से, आप बस नाम बताओ, लैंड एनिमल्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, क्या फॉरेस्ट में मिल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो फॉरेस्ट लिखा, फॉरेस्ट लिखे yes, sir, फाउंड इन फॉरेस्ट, क्या फॉरेस्ट लैंड में आता है, क्या फॉरेस्ट, अब सोचो जंगल, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं लेकिन वो पेड़ कहाँ पे होते हैं, देखोगे जमीन के ऊपर ही तो पेड़ होगा,
जमीन के ऊपर ही तो पेड़ होगा, तो वो किसके अंदर आ रहा है? लैंड के अंदर। तो फाउंड ऐसे एनिमल, लैंड एनिमल किसके अंदर आएंगे? फाउंड इन फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, फॉरेस्ट भी एक तरह का क्या है? लैंड है। सेकंड पे आते हैं, और बताओ ऐसा एग्जांपल जो जहां जमीन हो और वहां पे एनिमल मिले। कहां? विलेज। विलेज, विलेज, विलेज बोल रहे हो? यस सर। विलेज या प्लेन? विलेज सही है, विलेज, विलेज भी सही है, टाउन भी सही है, लेकिन ये विलेज टाउन किसके अंदर आते हैं? विलेज में देखोगे जमीन ऐसे पहाड़ जैसा तो नहीं दिखता है क्या? विलेज गांव जाते हो, गांव जाते हो तो क्या जमीन ऐसे ऐसे रहता है या गड्ढा रहता है बहुत गांव में? छोटा गड्ढा को मत कंसीडर करना, बड़ा बड़ा गड्ढा, बड़ा बड़ा पहाड़, क्या ऐसा जमीन गांव में रहता है? क्या शहर में ऐसा जमीन रहता है? तो इसके जगह पे अगर गांव का जमीन कुछ ऐसा है जो कि कहीं खेत है, कहीं थोड़ा सा है, एकदम बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं है, तो उसको किसके अंदर डाल देंगे हम लोग? प्लेन के अंदर डाल देंगे। और यही इसी प्लेन के अंदर क्या आ जाएगा? तुम्हारा विलेज आ जाएगा, टाउन आ जाएगा, नगर आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, सब इसी प्लेन के अंदर आ जाएगा। थर्ड कैटेगरी बताओ सर। डिजर्ट। और इसमें कौन कैटेगरी है सर? डिजर्ट। फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट मत पता है हम लोग के इंडिया में कौन सा डेजर्ट है? राजस्थान। थार। थार कहाँ है पता है? राजस्थान में थार। एक डेजर्ट है सेकंड नंबर में क्या है? थार डेजर्ट। ये कहाँ है? राजस्थान में। और एक और डेजर्ट है उसके बारे में पता है? यहाँ तो बहुत हीट रहता है, बहुत टेम्परेचर रहता है, बहुत गर्मी रहती है। एक ऐसा भी डेजर्ट है जहाँ पे ठंडी रहती है, उस डेजर्ट का नाम है लद्दाख। सर सेकंड नंबर में है फाउंड इन प्लेन्स। फाउंड इन प्लेन्स। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो सर। यस सर। यस सर। हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। हेलो हेलो। यस सर। क्या यहाँ तक लिख लिया था आपने? यस सर। हेलो हेलो। सर योर वीडियो इज स्टॉप। नहीं आ रही है। हेलो पल्लवी राज। हेलो हेलो। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। हेलो। यस सर। यस सर वीडियो आ रहा है। तो हमने लैंड एनिमल के बारे में बात करी। सर पास क्या वो एक्चुअली माइक ऑफ हो गया है? तो मैंने लैंड एनिमल के बारे में बताओ जल्दी। लैंड एनिमल के अंदर क्या क्या कैटेगरी आएगी? कौन सी कैटेगरी कहाँ पे मिलेंगे? प्लेन्स पे मिलेंगे। और बताओ दो और बताओ तुम लोग। सर कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन। सर कोल्ड रीजन। एक और हमने अब तो मैंने बता दिया। अब तो कल के क्लास में फिर स्टार्ट किया जाएगा।
तो बेसिकली हम लोग ने आज इसको समराइज कर दें, लेसन को जो मैंने पढ़ाया उसको थोड़ा समराइज कर दिया जाए।